ये देखिए दोस्तों, हम टमाटर खेत से लेके आ गए हैं। इस तरीके से गैस जला के इस पे पकाएंगे। टमाटर को घुमा घुमा के इसका जो ये छिलका है सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा पक भी जाए। टमाटर देखिए कैसे पक रहा है, चारों तरफ से घुमाते रहेंगे टमाटर पक जाएगा। अब चिमटा से घुमाएं, मैं तो इसे हाथों से घुमाते हुए पका रही हूँ, आप चिमटा से इसे इस घुमा घुमा कर पका लें। जब पक जाएगा तब इसका हम चटनी बनाएंगे। टमाटर हमारा पक चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। लहसुन है जो हम खेत से लाए हैं, मिर्ची भी तोड़ लाए हैं खेत से, और प्याज बहुत पहले खुदाई हो गई थी, तीन चार मिर्ची, तीन गांठ ये लहसुन और एक प्याज, तीन चार मिर्ची, तीन कलियां लहसुन, एक प्याज, इसे बारीक काट लेंगे। टमाटर ठंडा हो गया, इसका छिलका हम इस तरीके से सारा उतार के तैयार कर लेंगे। प्याज बारीक काट लिए हैं, लहसुन और मिर्ची भी काट लिए हैं, इसी में डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, सरसों का तेल, और ये जो टमाटर था इसे किसी भी चीज़ से मसल देंगे या हाथों से मसल देंगे। तो देखिए हमारा ये चोखा, देखिए हमारा ये टमाटर का चटनी बनके तैयार है। इसमें धनिया पत्ता सिर्फ डालना है, तो खेत से जाके लेके आऊँगी फिर डालूँगी। सारे बाबूजी को चटनी देने, दुकान से डाल लेंगे बाबूजी।